फाइव चैप्टर है। फाइव चैप्टर में जब डिफार्मा करने जा रहे हैं, कहीं भी डिफार्मा करने जा रहे हैं, तो डिफार्मा करने जा रहे हैं तो उसमें आप सेलुलर डे उठा लेंगे तो उसमें मिलेगा ही फाइव चैप्टर का। और उसमें फाइव चैप्टर में एंटी कन्वर्सेंट आएगा। एंटी कन्वर्सेंट में आप लोगों को गवापेंटिन पढ़ा जाता है। गवापेंटिन व्हाट इज ए गवापेंटिन, क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, पेशेंट के लिए क्यों दिया, मतलब गवापेंटिन दिया जाता है। तो आप लोग पहले नंबर ये जान जाइएगा, जो ये गवापेंटिन होता है कंपोजिशन होता है, मेडिसिन का कंपोजिशन होता है, इसका ब्रांड नेम होता है गवापेंटिन होता है, गवापेंटिन होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप मार्केट में जो मिलता है उसका नाम दूसरा होता है, जो हम लोग पढ़ाया जाता है उसका गवापेंटिन होता है। तो आज की क्लासेस में इसलिए बता रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी को नौकरी करना है तो जिंदगी में नौकरी तो नहीं करना है ना, तो आप लोग जिंदगी में नौकरी मत कीजिए, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग डिफार्मा करके अपना खुद का बिजनेसमैन बनिए और खुद दूसरों को नौकरी दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के क्लासेस में यही देने वाला हूँ गवारंटी। वो देखिए आप दुकान एक शॉप खोल रहे हैं, अपना खुद को दुकान खोल रहे हैं, उसका पूरा जानकारी दूंगा जिसमें आप लोग अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जो गवा पेंटिंग होता है सोल्ड अंडर द निरोशन होता है, ठीक है। इट इज द एंटी कन्वर्सेंटर टू ट्रीट न्यूरोपैथिक पेन होता है, जो आप लोग देख रहे होंगे पार्शियल में होता है, पार्शियल सीजर एंड द न्यूरोपैथिक पेन होता है। इट इज फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन होता है। कैस देखा जाए तो कैस बाय द डायबिटीज न्यूरोपैथिक होता है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज का पेशेंट आता है, शुगर का पेशेंट आता है, तो इसके लिए भी एक गवा पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के क्लासेस में हम लोग जानेंगे गवा पेंटिंग क्या काम करता है। जैसे मान लीजिए जो पेशेंट है वो सीजर हो गया, न्यूरोपैथिक पेन होने लगा, इसलिए मेडिसिन को दिया जाता है। इट इज द फर्स्ट लाइन इन द मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कैस बाय द डायबिटीज न्यूरोपैथिक, तो आप लोग न्यूरोपैथिक डायबिटीज जो पेशेंट होता है, शुगर का मेडिसिन जो पेशेंट होता है, न्यूरोपैथिक होता है, उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है। इसका ना आप देखिए इसके बारे में आप लोग जानिए कि व्हाट इज गवापेंटिन क्या होता है। जब हम लोग पेशेंट को देते हैं तो किस कारण होता है, तो हम लोग पेशेंट को ये दवा देते हैं, ठीक है। तो केमिकल व्हाट इज केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, इसका मान लीजिए स्ट्रक्चर क्या है, इसका आईपीसी नेम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए ये जो बेंजीन है, आप लोग जो बेंजीन देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम आप अच्छे से जानेंगे बेंजीन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग बेंजीन में जो ये स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो NH2 और O डबल बॉन्ड O और OH जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2-1 एमिनो मेथिल होता है और साइक्लोहेक्सीन होता है, एसिटिक एसिड होता है। ये क्या होता है, जो केमिकल है इसको मिलके बनता है, इसीलिए हम लोग गवापेंटिन कहते हैं इसको। हम लोग जैसे मान लीजिए आप लोग लेब मतलब कोई रिसर्च सेंटर में जा रहे हैं तो किससे मिलके बनता है, कौन सा मतलब केमिकल लगता है, तो हम लोग 2-1 एमिनो होता है, एमिनो मेथाइल होता है, साइक्लोहेक्सीन होता है, एसिटिक एसिड से मिलके मेडिसिन बना होता है, ठीक है। व्हाट इज यूज क्या होता है, तो व्हाट इज यूज जो होता है प्रिवेंट द सेंट्रल पार्शियल सीजर होता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। रिलीफ फ्रॉम द नर्व पेन, मतलब जो नर्व पेन होता है, जैसे आप लोगों को दिमाग नर्व पेन किस लिए होता है, मान लीजिए नर्व सिस्टम में को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, जैसे आप लोगों को माइंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसको पेन होने लगेगा, इसलिए इसको मेडिसिन को दिया, डिस्टर्ब होना जो डिस्टर्ब होने लगता है इसलिए दिया जाता है, जो इसको पेन मतलब दर्द होने लग जाता है। ठीक मोडिट्रेट टू सेवरल प्राइमर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, जो
लेफ्ट लेग सिंड्रोम होता है, रेस्ट लेस होता है सिंड्रोम, इसके लिए मेडिसिन दिया जाता है। जब हम लोग नर्वस सिस्टम पेन होने लगता है, डिस्टर्ब मतलब होने लगता है, इसलिए मेडिसिन को दिया जाता है, ये इसको सहायता करता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन देखिए, फॉर्मुलेशन वो होता है जैसे मान लीजिए मेडिसिन टैबलेट में है कि क्या मतलब ऑरल सॉल्यूशन में, कैप्सूल में, इंजेक्शन, इसलिए हम लोग इसको जानेंगे कि जो फॉर्मुलेशन होता है गाबापेंटिन का, टैबलेट में आता है, सस्पेंशन में आता है, सॉल्यूशन में आता है और कैप्सूल में आता है। ये तीन चार कैटेगरी में आता है, इसको फॉर्मुलेशन करते हैं। और जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कौन सा नाम से गाबापेंटिन मिलता है इसके बारे में जानेंगे। ब्रांड नेम ये है गाबापेंटिन और गाबा रोड गबरोन गेरेलाइज होता है, निरोटिन होता है, निरोटिन का नाम से मिलता है। तो ऐसे आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं और अच्छे समझना चाहते हैं हिंदी में, और तो नेक्स्ट वीडियो में क्लोरोजेपाम पढ़ाऊंगा, जिसमें क्लोरोजेपाम आप लोगों को इसी क्लास में है, एंटी कार्बन सेंटर में इसी के क्लोरोजेपाम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे आप लोग देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, कोई भी आप लोग डाउट आता है तो कमेंट कीजिए और अच्छे समझिए। अब कहीं भी पेपर में तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए पेपर में लिखने जा रहे हैं तो इसी तरह लिखना है। पहले आप लोग हेडिंग डालना है दवा पेंटिंग, उसके बाद एंटी कन्वर्ट सेंटर डाल दीजिए, एंटी कन्वर्ट सेंटर में आता है। और ठीक है, तो आप लोग ऐसे गाबापेंटिन सोल्ड अदर ऐसे आप लोगों को लिखना है, उसके बाद ये लिख देना है केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, उसके बाद यूज लिखिए, उसके बाद फॉर्मुलेशन और ब्रांड नेम ऐसे पूरा लिख लेंगे कंप्लीट, तो आप लोगों को नंबर नहीं कटेगा। इतने से याद करने से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी पूछेगा पेशेंट, चाहे कोई भी कस्टमर आ रहा है तो आपसे पूछेगा गाबापेंटिन का यूज क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि जो नर्व पेन होता है इसके लिए दिया जाता है रिलीफ करने के लिए। ठीक है, चाहे आप लोग ये बोल सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूरोपैथिक पेन होता है, इसके लिए होता है काउंसलिंग बाय द डायबिटीज न्यूरोपैथिक, ज्यादातर ये डायबिटीज में, डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उसमें न्यूरोपैथिक में ये मेडिसिन ज्यादा चलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और ऐसे लगे रहिए है।